देखिए दोस्तों, ये मैंने बोया यमुन का माइक अमेजोन से परचेज किया है, तो मैंने इसे पहले भी खोला है, तो मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखिए इसे ओपन करता हूँ, बॉक्स मेरे पे ही तोड़ा है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं BYM1। और यहाँ देखिए आपको कुछ डिटेल्स है यहाँ माइक के बारे में, इसका माइक्रोफोन कैसा है, वेट कितना है, बैटरी बैकअप, बैटरी टाइप कौन सी है, कनेक्टर, सेंसिटिविटी, सिंगल नॉइस, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, रोलर पैटर्न, बहुत सारी डिटेल्स है। देखिए यहाँ बॉक्स पर तो ज़्यादा प्राइस है, मैंने इसे 860 में लिया है या 1650 है, मैंने यहाँ अमेजोन से 860 है। और यहाँ स्कैन, यहाँ आप स्कैन करके भी देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बारकोड स्कैन करके आप देख सकते हैं माइक कौन सा है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट। तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं, तो देखिए इसे खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि कैसा है। देखिए ऊपर क्या है, पिन है, उनके बाद एक नॉइस के लिए, माइक के ऊपर लगाने के लिए वो सिंपल सी कुछ रबर वाला है, और इसमें एक बटवा आता है, इसमें क्या होता है। देखिए हमारा यहाँ माइक होगा, तो हम माइक देखते हैं फिर बाद में, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आ गया है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपने टी शर्ट के लिए या शर्ट के लिए आपको माइक लगाने के लिए यहाँ माइक डाल लगा के आप अपने शर्ट को लगा सकते हैं। और यहाँ इसके साथ एक इसका कुछ नहीं, ये देखिए एक सेल है, इस सेल का क्या, ये सेल आपको डालना पड़ता है माइक में, और एक पिन है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके रिकॉर्डर में। तो हम माइक निकालते हैं, इसमें कुछ नोट्स हैं, इसे पढ़कर भी आप देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे यूज़ करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं इसमें भी। तो हम देखते हैं इसकी, इसे निकालते हैं, इसका देखिए कितना लंबा है, इसका करीब करीब 20 फुट का माइक है, 20 फुट वायर है इसका, 20 फुट के बाद देखिए आप देख सकते हैं ये माइक है, इस पर आप ये ऊपर वाला लगा सकते हैं। लगाने के बाद देखिए आपको ऐसे लगाना है, ये देखिए मैं लगाता हूँ अभी, देखिए सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये यहाँ से आपको यहाँ लगाना है देखिए, और आप टी शर्ट पे लगा सकते हैं ऐसे। लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऐसा एक सर्कल मिलेगा, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ दो दो मोड है, यहाँ आपके लिए स्मार्टफोन यानी आपका, जब आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियोस, तो आपको यहाँ नीचे जो बटन है उसे नीचे लेना है, और आप कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ऊपर करना है, लेकिन कैमरा से रिकॉर्ड करते वक्त तो आपको देखना है इसमें सेल है या नहीं, तो आपको सेल क्या करना है, इसमें सेल डालना है। देखिए सेल है, ये सेल आप डाल सकते हैं इसमें, तो मेरे मेरे पास कैमरा नहीं तो मैं नहीं डालूँगा सेल, और इस सेल की कम से कम आप 1 साल से ज़्यादा सेल चलेगा, आप रेगुलर वीडियो अपलोड करोगे, रेगुलर वीडियो बनाओगे तो भी 1 साल से ज़्यादा तक सेल की कैपेसिटी है चलने की। तो ये देखिए यहाँ से वायर को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पैकिंग भी आती है, और बहुत ही मजबूत वायर भी है, तो देखिए आप माइक लगा के देख सकते हैं। और मैं आपको इसकी आप जो सैंपल दिखाऊंगा कि इसकी वॉइस कैसी है, आप तक जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी वॉइस है, तक जो वीडियो की वॉइस आ रही थी वो बिना माइक के आ रही थी। देखिए हाथ में माइक है, तो मैं अब अपना माइक लगाता हूँ, और माइक लगाने के बाद देखते हैं हम कैसी वॉइस है। देखिए मैंने माइक लगाया है, आप वॉइस की क्वालिटी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैंने माइक लगाया है, तो एक एकदम नो वॉइस आ रही होगी, उसके साथ बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही होगी। तो दोस्तों आपको माइक कैसा लगा, मैं इसकी लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और
मेरे को ये 860 को पड़ा है, आपको कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइसेस कम ज़्यादा होती ही रहती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और आप वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना ताकि आपको रोजाना इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर सॉरी फ्रेंड्स खत्म करते। जय हिंद, वंदे मातरम।